गाइस, दिस इज उज्ज्वल मेहता और इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे कि नरेशन को किस तरीके से चेंज करते हैं या फिर बनाते हैं। मतलब ये कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले नरेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ है क्या? कथन। अब नरेशन का उद्गम या फिर कहे जन्म कहां से हुआ था? तो नरेशन का जो जन्म है वो नैरेट शब्द से हुआ था। अब नैरेट शब्द का मतलब क्या होता है? नैरेट इसका मतलब होता है कहना। और ये जो कहना है क्या होता है कि जो बात हम कहते हैं वही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। जनरल भाषा में समझाता हूं, जैसे कि आप किसी की चुगली करते हैं वही क्या है? नरेशन है। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि राम नहीं पढ़ता है। मैंने क्या बोला? राम नहीं पढ़ता है, ये बात मैंने बोला और आपने क्या किया? सुना। मेरे बातों को आपने सुना और आपने क्या सुना? कि राम नहीं पढ़ता है। और आप उठे और उसके राम के टीचर से आपने क्या कह दिया? कि राम, वह बोला राम नहीं पढ़ता है। तो यहां पे आपने क्या किया? चुगली किया ना। राम की चुगली आपने किससे की? उसके शिक्षक से की। तो यही जो बात है वही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। आपको फील आ गया होगा। अब नरेशन यहां पे दो टाइप्स का या फिर कहे दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कि अगर मेरे द्वारा आप सुनते हैं कि राम नहीं पढ़ता है और आपने हूबहू वही बात किसी तीसरे व्यक्ति से कह दिया राम नहीं पढ़ता है, तो यह कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं जोड़ा या फिर कुछ चेंजेस नहीं किया। मगर अगर आप यही बात को तीसरे व्यक्ति से इस तरह कहते हैं, वह कहता है, यानी मैं कहता हूं, यानी वह कहता है कि राम नहीं पढ़ता है, यानी थर्ड पर्सन से, जो थर्ड आदमी है जिससे आप बात कर रहे हैं उससे क्या कह रहे हैं? कि वह कहता है कि राम नहीं पढ़ता है। तो यहां पे आप चुगली तो कर ही रहे हैं बट इनडायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं, घुमा फिरा करके बोल रहे हैं और साथ में कहने का मतलब वही है बट आपने तात्पर्य चेंज कर दिया। यही कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद है आप लोगों ने नरेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, नरेशन दो भागों में बट गया, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे स्पीच क्यों है? नरेशन का मतलब स्पीच भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इसको समझने से पहले कुछ टर्म आता है, वो टर्म है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या है। एग्जाम्पल ही कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस आता है और इनडायरेक्ट के अंदर ये वाला सेंटेंस आता है। अब यहां पे समझिए कि क्या है। ही सैड आई एम रेडी, ही सैड आई एम रेडी। और इनडायरेक्ट में है ही सैड दैट ही वॉज रेडी। अब दोनों सेंटेंस एक ही है बट होता क्या है यहां पे कि ये वाला आदमी जो कि डायरेक्ट स्पीच है वो कहां चेंज जा रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब समझिए, यहां पे आपको डबल कोट दिख रहा होगा, इसका मतलब इसका नाम है इन्वर्टेड कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ सेंटेंस है, इस सेंटेंस को क्या कहते हैं वो जानना है। अब इसका नाम है कोमा। अब ये क्या है इसके बारे में भी जानना है। अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, यही आपको सीखना है। और इसको सीखने से पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए नरेशन में उस टर्म को समझते हैं जिसका उपयोग आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम उपयोग होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिर दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतना तक तो ठीक है।
अब यहां पे देखिए, आपको यहां पे इन्वर्टेड कॉमा यहां यहां दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और इसके अंदर ये पूरा वाक्य लिखा पड़ा है, और ये जो वाक्य है वही क्या है हमारे पास, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब है ऊपर रिपोर्टिंग भर, तो रिपोर्टिंग भर है वो आपको ये जो सेल दिख रहा है ये क्या है, रिपोर्टिंग भर है। यहां पे आर भी लिख देता हूं मैं रिपोर्टिंग भर। अब ये भी कुछ है तो ये रिपोर्टिंग भर का सब्जेक्ट है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये बंदा है जो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग भर आर भी, और ये क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ आर भी रिपोर्टिंग भर। तो इस तरीके से हर टर्म को आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन को किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते टाइम किस तरीके से आपको चेंजेस करना है सेंटेंस में। तो सबसे पहले आपको पर्सन समझ में आना चाहिए, पर्सन क्या है। तो पर्सन के लिए मैं एक बताता हूं आपको, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन है, जैसे कि आप यूज करते हैं हम या फिर मैं, ये क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन कौन है, जैसे कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप क्या है, या जैसे हम बोलते हैं आप तुम, ये क्या है सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन कौन है, जैसे कि राम सीता या मतलब कि या हुआ वाला जो सेंटेंसेस होता है वही क्या है हमारे पास थर्ड पर्सन है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि राम आम खाता है, ठीक है आपने सुना मैंने बोला, तो मैं क्या हूं फर्स्ट पर्सन, अब आपने सुना तो आप क्या है सेकंड पर्सन, और किसके बारे में बात हो रहा है तो राम के बारे में, तो यहां पे राम क्या है थर्ड पर्सन। आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। तो इस पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से रूल समझते हैं। तो चलिए जानते हैं चेंज ऑफ पर्सन किस तरीके से हम करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम। सबसे पहले आप इस ट्रिक को समझिए, ये ट्रिक मस्ट मतलब आपको याद रखना ही रखना है। क्या है ट्रिक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आया फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, फिर क्या कहता है जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा। अब यू समझते हैं, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और नो चेंज क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, इतना तक तो ठीक है। अब यहाँ पे कोमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर किस तरीके से हम चेंज करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हमें यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों लिख देना है, मगर चलते चलते एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, मतलब अगर सेंटेंस यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो सेंटेंस है वो हमारा अगर फ्यूचर में है और या अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम बदलते टाइम टेल्स का प्रयोग करेंगे। कहां पे टेल्स का प्रयोग करेंगे वो यहां से समझिए, जैसे कि ही सेज टू मी, तो हमको लिखना है ही का ही, और सेज के जगह पे चूंकि सेज क्या है प्रेजेंट है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टेल्स, ही टेल्स मी, केवल मी लिखना है, टू आपको नहीं लिखना, ही टेल्स मी। अब यहां पे इन्वर्टेड कोमा है, देखिए गौर से, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लिखा जाता है, समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखना है ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे हमारे पास है आई,
तो आई को यहां पे देखिए रूल क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आपको समझ में आ गया होगा कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहां पे क्या लिखेगा, ही, तो दैट के बाद में ही। अब यहां पे है एम, तो एक बात और ध्यान में रखिए, जब सेंटेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो सेंटेंस भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, ऐसे समझिए। ही के जगह जैसे कि आर के साथ क्या लगता है, केवल एम लगता है, बट ही के साथ क्या लगेगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ही लगेगा, तो ही इज। अब आगे यहां पे आता है योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, मी, और मी के लिए क्या होता है, माई। अब यहां पे हो गया फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब इतना तक तो आप लोगों ने समझ लिया ये किस तरीके से हमने चेंज कर दिया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपको यहां पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर सर आपने योर को माई में कैसे चेंज कर दिया, तो उसके लिए मैंने यहां पे आप चार्ट एक देख रहे होंगे, तो चलिए आपको ये सभी नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए और नोट्स तैयार कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय टेंस को किस तरीके से हम चेंज करते हैं और उसके अदर पार्ट्स को भी किस तरीके से हम चेंज करते हैं, ये सब अगले वीडियो में हम सीखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।